पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कई बरसों से गोविंद नगर के लोग वहां लगे हुए टावर से परेशान हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि गोविंद नगर गली नंबर 5 राधिका ब्यूटी पार्लर वाली गली में एक अवैध रूप से कांच की फर्म बनी हुई है, जिससे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम करते हैं और उस फर्म से जो प्रदूषण निकलता है उससे गली के लोगों में भयानक बीमारी फैल रही है। साथ ही फर्म मालिक रामा अनुज खुराना से क्षेत्र के लोगों ने मना भी किया, उसके बाद भी टावर लगा दिया गया है। इसी समस्या को लेकर गोविंद नगर के लोग नगर विधायक रितेश गुप्ता के पास पहुंचे और अपनी समस्या से अवगत कराया, लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। इससे गुस्साए लोगों ने नगर विधायक का पुतला फूंका और अपने विरोध जताया। साथ ही लोगों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट न देने का भी संकल्प लिया और साफ कह दिया कि इस बार गोविंद नगर के लोग बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। कहाँ रहते हो आप? यही रहते हैं गोविंद नगर फैक्ट्री के पास में ही। क्या समस्या है यहाँ पर? हमें ये टावर नुकसान दे रहा है पब्लिक को, पूरे मोहल्ले को। ये फैक्ट्री जो है क्या फैक्ट्री या अवैध है और ये 10 साल से काम कर रहा है फैक्ट्री में। हम फिर भी कुछ नहीं कहते थे कि चलो कोई बात नहीं। पहले तो इन्होंने एक मुंह लगवा दिया टावर लग रहा पहले। मेरा नाम मोना शर्मा है, मैं यहाँ गोविंद नगर मुरादाबाद की वासी हूँ। ये पहले एक टावर लग रहा था, इनसे पहले भी मना करी गई थी, ये नहीं माने। फिर उस समय लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी कि इससे क्या हार्मफुल है, ये क्या है क्या नहीं है। उसके बाद अब इन्होंने दूसरा लगवाया है। दूसरा लगवाने के नगर विधायक के पास भी गए, एसडीएम साहब के पास भी गए, पुलिस प्रशासन ने हमारी कोई नहीं सुनवाई करी, बल्कि डीएम ने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। चारों तरफ हम लोग भाग रहे हैं, सारी लेडीज इकट्ठी होकर पूरी गली में लोगों को इतना ज्यादा, कोई हार्ट अटैक से इधर 2 डेथ हुई है जवान, इधर हार्ट अटैक से हुई है, पैरालिसिस लोगों को हुई है, सांस की बीमारी हो रही है। लेकिन एक मात्र ये खुराना जी जो है, रामानुज खुराना नाम है इनका, ये पैसे की खातिर लोगों की तरफ नहीं देख रहे हैं, जबकि बीमारी सारे लोगों को इतनी बीमारी हो रही है, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।